तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए एक और नई कमाल तो नहीं बोलूँगा, एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्त, इस वीडियो में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इस वीडियो को मतलब शेयर करो। मैं हर वीडियो में तो बोलता नहीं कि शेयर करो वीडियो को, हाँ लाइक वगैरह लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँगा। तो इस वीडियो को आप लाइक भी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन यार एक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक शेयर से शायद से मेरा ये पबजी अकाउंट जो हैक हो गया है तो वापस मिल जाए। क्या पता किसी को आइडिया हो, क्या पता आप शेयर करो और उसको कुछ इसके बारे में पता हो। तो फ़िलहाल के लिए तो वो मेरा पहले फेसबुक आईडी हैक हुआ था, उससे पबजी आईडी भी हैक हो गया क्योंकि मेरा लिंक था उससे। और आप लोग सोच रहे होगे कि तेरा हैक हो गया तो तू ओपन कैसे कर रहा है, तो इसके बारे में भी बताता हूँ। अब हुआ ऐसा कि जब वो मेरा फेसबुक अकाउंट हैक किया था तो शायद से मेरा जीमेल से लॉगिन था, तो मैं जैसे तैसे करके पबजी जो फेसबुक अकाउंट है वो तो मैं ले आया, अपना रिकवर कर लिया, तो वो मिल गया मेरे को। अब ओपन करने का रीज़न यही है कि वो क्या कर रहा है कि वो अपना उसमें दूसरा अकाउंट लिंक कर लिया है, मतलब ट्विटर का और मेरा फेसबुक का, तो हम दोनों एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है, तो ऐसा कुछ सीन है। और जैसा कि देख ही सकते हो कि क्लैन वगैरह से सारा चीज़ मैं निकल चुका हूँ, क्लैन और क्रू में, क्रू भी मेरा चला गया क्योंकि क्रू का तो लीडर मैं ही था और क्लैन का मैं को लीडर था, और मेरा मेरा जितना भी सिनर्जी था सारा चला गया। तो अब इस आईडी में कितना ज़्यादा चीज़ था वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं शायद से सीज़न 3 से गेम खेलना स्टार्ट किया था और कंटिन्यू मैं सीज़न 6 या 7 से कंटिन्यू किया था, क्योंकि उसके बारे में मेरे को उतना पता नहीं था। तो काफ़ी चीज़ मेरे आईडी में थी यार, तो फ़िलहाल के लिए वो सारी चीज़ अभी चली गई है। और मैं पबजी के कस्टमर से भी बात किया, तो बातचीत होने के बाद कुछ ये हुआ कि उन्होंने वो बोल रहे कि अभी जब तक आपका पबजी इंडिया नहीं आएगा तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो फ़िलहाल उधर से भी हाथ खड़े हो चुके हैं। तो जैसा कि देख सकते हो केडी वगैरह और जितने चीज़ थी सब की माचूद रखी है इस हैकर ने, और ये परफेक्टनेस का जो टाइटल है आपको पता ही होगा कि लगातार 6 सीजन से इलाइट रॉयल पास मतलब लेने पे ही ये टाइटल मिलता है। तो आप सोच सकते हो कि मतलब इस आईडी में क्या क्या सामान थी, तो यार मतलब बहुत दिल से बुरा लग रहा है क्योंकि यार, और देख सकते हो कि नाम वगैरह भी चेंज उसने कर दिया है। तो अब ये जो आईडी मेरे हाथ में नहीं है, तो शायद से अगर किसी को पता हो और आपके इस वीडियो को एक शेयर देने से क्या पता किसी बंदे के पास ये वीडियो जाए और कुछ मेरी हेल्प वो कर सकता है, क्योंकि यार ये आईडी है ना मतलब काफ़ी पुरानी आईडी है। और आप फ्रेंड भी देख सकते हो, मतलब ऐसा फ्रेंड है जो कि मैं किसी के साथ खेला नहीं हूँ। तो उसके बाद मैं अपना फेसबुक आपको दिखा देता हूँ कि मेरा फेसबुक हैक हुआ था कि नहीं हुआ था। तो उसके पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि उसने बंदे ने ट्विटर से लॉगिन कर रखा है, अपने लिंक अब मेरे पबजी अकाउंट को लिंक कर रखा है। तो मैं यहाँ से अगर कंटिन्यू भी उसका अनलिंक करना चाहूँ तो सीन कुछ ऐसा है कि अगर मैं इस पर कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू कर दूँ अनलिंक का ऑप्शन पे, तो अगर वो ट्विटर से ही दोबारा अगर लॉगिन करेगा तो ये मतलब जो भी है अनलिंक का ऑप्शन मतलब जो भी फ्यूचर है इसका वो हरदम के लिए अनलिंक होना बंद हो जाएगा और इसका आईडी मतलब कभी भी अनलिंक नहीं हो पाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको छोड़ रखा हूँ, और फेसबुक पे भी देख सकते हो मतलब बिरेन राजे टोरिटो कुछ नाम से उसने मेरा आईडी मतलब अब आईडी पे नाम डाल रखा है। तो फ़िलहाल के लिए इस पे भी मैं अपना नाम मतलब सेट नहीं कर सकता, क्योंकि 30 या 60 या 90 दिन के बाद ही नाम चेंज हो सकता है। और फ़िलहाल के लिए तो जो भी मेरा इसमें फ़ोटो वगैरह अपलोड था तो वो सब सेफ है, और ये आईडी मेरे को मिल भी चुका है मतलब फेसबुक की आईडी, लेकिन मैं नाम चेंज नहीं कर पा रहा इस पर। तो इसका तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका। और बात रही यार इसमें जो भी फ्रेंड थे, फ्रेंड भी देख सकते हो 1798 करीबन 1800 फ्रेंड होने ही वाले हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा था मेरा मतलब फेसबुक। तो फ़िलहाल के लिए तो फेसबुक में जैसे तैसे करके रिकवर कर लिया हूँ, लेकिन यार जो पबजी अकाउंट है वो मेरा पबजी अकाउंट मेरे बस में बिल्कुल भी नहीं है, वो भी एक्सेस कर पा रहा है और मैं भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो ऐसे मतलब बैन होने का भी खतरा है। तो प्लीज़ से आप इस वीडियो को एक शेयर दे देना ताकि अगर किसी के पास जाए तो कुछ हेल्प कर सके मेरी। और देख सकते हो ये सब जो भी है कबूतर वबूतर सब चीज़ है मेरे पास, एनडी वगैरह जितना भी करेक्टर था पबजी में सारी चीज़ें, और ये जो मेरा इन्वेंट्री वगैरह आप देख लो कितने सारे मिथिक को कितने सारे लेजेंड्री आउटफिट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको मिस कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी दिन से इसको लॉगिन भी नहीं कर रहा था क्योंकि ये इंडिया में बैन था, तो मैं KR वर्जन खेल रहा था, तो अचानक से एक मेरा फ्रेंड खेलता था तो
उसने बताया कि भाई तेरा तो आईडी शायद से मतलब हैक हो चुका है, क्योंकि तेरा नाम वगैरह सब कुछ चेंज है। और मैं फेसबुक पे भी मतलब देखा अगले दिन उठ के कि मेरा फेसबुक पे हैक है, लॉगिन नहीं हो रहा। तो फेसबुक को तो मैं जैसे तैसे ले आया, लेकिन मैं पबजी का अकाउंट जो है मतलब परमानेंट अपने अपने पास मैं नहीं ला सका, क्योंकि अब उसका एक्सेस उसके पास भी है, क्योंकि उसने मेरे पबजी अकाउंट से अपना सोशल मीडिया एक लिंक कर चुका है जो कि है ट्विटर का। और मैं उसको चाह के भी अभी फ़िलहाल के लिए अनलिंक नहीं कर सकता। लिंक अनलिंक तो कर सकता हूँ, लेकिन डर ये कि अगर वो आईडी पे फिर दोबारा से लॉगिन कर देगा तो वो परमानेंटली अनलिंक हो जाएगा, मतलब लिंक हो जाएगा। उसके बाद मैं चाह के भी उसका आईडी मतलब जो भी है इसका ट्विटर अकाउंट वो अनलिंक अपने अकाउंट से नहीं कर सकता। तो फ़िलहाल के लिए मैं उसको छोड़ रखा हूँ। और जैसा कि मैं आपको बताया ही था कि जो पबजी टीम के जो भी कस्टमर होते हैं, तो मेरी उनसे बात हो गई है। मैं सोचा था कि बातचीत नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बातचीत हो गई है। और उन्होंने काफ़ी मतलब काफ़ी जल्दी मेरे को रिप्लाई कर दिया। तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लास्ट में दिखा दूंगा, ताकि आप लोग देख के हाँ संतुष्टि रहना कि भाई इसने इसकी बात हुई है, ये तो कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा यार। और झूठ बोलने की बात भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मतलब क्या ही बताऊँ। और ये जो है मतलब लगभग सॉरी फिर मतलब अटक रहा हो तो सॉरी उसके लिए। और मतलब इसमें जितनी भी स्किन वगैरह थी, गन और आउटफिट वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ की मेरे पास स्किन थी। और जैसा कि आप लोग मेरा इन्वेंट्री देख रहे हो, तो मैं इन्वेंट्री के मैं दिखाते दिखाते आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी कुछ इसके बारे में पता हो तो प्लीज़ से मेरे को कॉन्टैक्ट करो, या तो कमेंट करो। अगर पर्सनल बात करना है तो आप कमेंट करो, मैं आपको नंबर सेंड करूँगा अपना, तो उस पर बात करते हो और देखो अगर ट्राई करो, अगर कैसे भी आईडी मेरी आ जाए तो। क्योंकि पता है कि आप अगर इस वीडियो को शेयर करोगे तो शायद से मेरा अकाउंट आ जाए। और अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ कि पबजी इंडिया जो है कब तक आए। तो मैं बता दे रहा हूँ कि पबजी इंडिया जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि 17 से 19 तारीख या तो 20 तारीख के बीच तक आ जाए, उसके बाद देखते हैं क्या। और उस बंदे ने मतलब गांड मार के रख रखी है मेरे आईडी की, केडी से लेके मतलब भांग घोसड़ा सब चीज़ पूरा उलट पुलट कर रहा हो। जितना भी मेरा जो फ्रेंड थे मतलब बहुत अलग अलग कंट्री के फ्रेंड थे मतलब, तो ये सब सारी चीज़ें। तो आई होप सो मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ एक शेयर करके एक हेल्प कर देना छोटी सी। और ये आप देख लो कि मेरा जो बात हुआ था पबजी वाले के कस्टमर सर्विस से, तो उनका कुछ स्क्रीनशॉट है जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और जो लास्ट सीन है उसका आप वो भी देख लेना, उसमें क्या लिखा हुआ है जो कि मैं बोला था, तो देख लो आप। तो इसमें कुछ सारी चीज़ें मतलब डिटेल वगैरह मांग रहा था, तो मैं सब कुछ दे दिया अपना। तो उसके बाद उनका कहना यही है कि अगर जब तक आपका पबजी इंडिया नहीं आ जाता, तो जब तक हम आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मैं पबजी इंडिया जो है उसके आने का वेट कर रहा हूँ, तो देखते हैं मतलब कब तक आता और कब तक मेरा जो पबजी है मतलब पबजी अकाउंट जो हैक कर रखा हो कब तक अनलिंक होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।